हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाले समोसे। समोसे खाना सभी को बहुत पसंद होता है, पर बनाना किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज जो रेसिपी हम शेयर करेंगे, उससे झटपट समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे और सर्दी में आप इन समोसों का मज़ा ले सकती हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम उबले हुए आलू ले लेंगे और इनको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आलू को ग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आलू में बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डाल दें, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दें, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, भुने हुए जीरे का पाउडर डालें और थोड़ी सी सूखी मेथी को मैंने माइक्रोवेव कर लिया था तो वो मैंने इसमें डाल दी है। और फ्रेशनेस के लिए हम इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। आप इसमें अदरक भी डाल सकती हैं, हरी मिर्च भी डाल सकती हैं। आपको जो भी मसाले इसमें डालने हैं आप वो मसाले इसमें ऐड कर सकती हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें एक चीज़ डालनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कॉर्नफ्लोर। तो इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। तो इस मिक्सचर में आपको कॉर्नफ्लोर डालना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपके समोसे जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसमें कॉर्नफ्लोर डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और ये आपकी फिलिंग बनकर तैयार है। इसको एक साइड पर रख दें और अब हम आटा गूंद लेते हैं। तो उससे पहले हम एक मिक्सी के जार में थोड़े से पालक के पत्ते डालेंगे और इनको हम बिना पानी डाले ही पीस लेंगे। आपको इसमें पानी नहीं डालना है, इनको ऐसे ही पीस लेना है। इनको बिल्कुल बारीक पीस लें। तो देखिए, ये मेरे पालक के पत्ते पीसकर तैयार है। अब हम आटा ले लेंगे। क्योंकि मैं इसको बहुत हेल्दी वे में बना रही हूँ तो मैं इसको आटे से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको मैदे से भी बना सकती हैं। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसको हाथ से बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका एक आटा गूंद के तैयार करेंगे। तो मैं इसका आटा उसी पालक के पेस्ट से गूंदूंगी जो मैंने बना कर रखा था। तो इससे ये जो हमारी फिलिंग वो आटा है वो ग्रीन कलर का बनकर तैयार होगा और ये पालक का आटा होगा तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। तो इसमें हम पालक का पेस्ट थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसका एक आटा डो तैयार कर लेंगे। जैसा कि समोसों के लिए डो लगता है, बिल्कुल वैसा ही थोड़ा सा हार्ड डो हमें इसका बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, डो हमारा बनकर तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको एक दो बार और अच्छी तरीके से गून लेंगे, जिससे कि जो ये डो है थोड़ा सा चिकना हो जाए। तो मैंने इस पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है। तेल लगाकर इसको मैं एक दो बार अच्छी तरीके से गून लूँगी और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा डो बनकर तैयार है। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको एक दो बार और अच्छी तरीके से गूंदने के बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। तो मैंने इसके 2 बॉल्स बना लिए हैं। आप बड़ी बड़ी सी इसकी 2 बॉल्स बना लें और बॉल बनाने के बाद हम इसको बेलेंगे। तो देखिए, ये 2 पेड़े बनकर तैयार हैं। तो अब हम इनके समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आटा आप किचन स्लैब पर डस्ट करें और उसके बाद इसको बेलना शुरू कर दें। तो आपको इसकी एक बहुत बड़ी सी रोटी बेलनी है और जो रोटी है वो मोटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप समोसों के लिए बेलती हैं उसी तरीके से इसका एक बारीक सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। पर रोटी जो है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। और रोटी अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके समोसों की शेप बिल्कुल भी उससे भी ख़राब नहीं होगी। तो इसकी एक बारीक सी रोटी बनाकर तैयार कर लें। कोशिश करें कि जो इसके किनारे हैं वो बिल्कुल भी मोटे ना रहें, बिल्कुल बारीक हो जाएं। अब इसके सेंटर में आप एक कटोरी या कप कुछ भी रख लें और उसके बाद ये जो हमने आलू वाली फिलिंग बनाई थी इस रोटी पर पूरी तरीके से इसकी एक पतली सी लेयर को फैला दें। तो आप इसको चम्मच से या हाथ से, जैसे भी आपको इजी लगे वैसे इसको अच्छी तरीके से फैला दें। दबा दबा कर आपको ये फिलिंग को अच्छी तरीके से फैलाना है। अगर आप इस फिलिंग को थोड़ा सा कलरफुल बनाना चाहती हैं तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकती हैं। तो देखिए, मैंने पूरे आलू की फिलिंग इस रोटी पर फैला दी है। अब हम कटोरी को हटा देंगे और इसको हम 16 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको 4 पार्ट्स में करेंगे, फिर उसको 8 में, और फिर हम इसको 16 पार्ट्स में इस तरीके से
डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पतले पतले से ट्रायंगल बन जाएंगे। तो देखिए मैंने इनको 16 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद जो सेंटर वाला पार्ट है उस पर हम ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा पानी लगा देंगे। आप हाथ से या स्पून से भी पानी इस पर लगा सकती हैं और फिर किनारे से इस तरीके से रोल करते हुए एक एक ट्रायंगल को उठाते जाएंगे और दबाकर इसके किनारे को चिपका देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे करीब 16 रोल समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल को पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और हम इनको बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करेंगे जैसे कि हम समोसों को फ्राई करते हैं, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई करना है ताकि समोसे अंदर तक सिक जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। आप इन समोसों को बनाकर करीब एक हफ्ते तक स्टोर भी करके रख सकती हैं और ये समोसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आप इनको चाय के साथ बड़े मज़े से इंजॉय कर सकती हैं। तो मैंने सारे समोसे कढ़ाई में डाल दिए हैं और इनको हम लो फ्लेम पर इसी तरीके से सिकने देंगे और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और इनका कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम निकाल लेंगे और इसी बीच हम बाकी के जो रोल समोसे हैं वो भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो देखिए इन समोसों का कलर चेंज हो गया है। अब हम इनको किसी टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि इसका एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर हम इसको चाय के साथ इंजॉय करेंगे। तो आप भी ये सिंपल सी रेसिपी बनाकर अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकती हैं। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।